हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी कैफे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेन्नई मेट्रो रेल रिक्रूटमेंट की डिटेल्स के बारे में। और इस वीडियो में हम पोस्ट एलिजिबिलिटी और सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस रिक्रूटमेंट को रीड अप करना चाहते हैं तो आप स्टडी कैफे डॉट इन पर विजिट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रिक्रूटमेंट की डिटेल्स के साथ में। यहाँ पे चेन्नई मेट्रो ने जो फॉर्म निकाला है वो जीएम और जेजीएम एंड डीएम इन कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे बात करें तो अप्लाई करने की यहाँ पे 3 अगस्त लास्ट डेट है और यहाँ पे 3 वैकेंसीज अवेलेबल है और तीनों वैकेंसी तीनों पोस्ट में एक एक रिस्पेक्टिवली अवेलेबल है। कंसोलिडेट पे की बात करें जीएम की तो यहाँ पे 2,25,000 रहने वाली है। मिनिमम एक्सपीरियंस 20 इयर्स और मिनिमम जो एज है यहाँ पे वो 45 है। मैक्सिमम एज जो यहाँ पे मांगी गई है वो 55 इयर्स है। जेजीएम एफएनए की बात करें तो यहाँ पे एक पोस्ट अवेलेबल है और 1,25,000 यहाँ पे आपका कंसोलिडेट पे रहने वाला है पर मंथ और 15 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है विद एज लिमिट ऑफ 43 इयर्स। डीएम कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए यहाँ पे एक पोस्ट निकाली गई है और यहाँ पे 70,000 आपका पर मंथ का जो पे रहेगा एंड मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे 4 साल का मांगा गया है और मैक्सिमम एज 35 इयर्स यहाँ पे है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें फॉर जनरल मैनेजर इन प्लानिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट तो यहाँ पे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएट की है एमबीए से वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एटलीस्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस इन बिजनेस डेवलपमेंट होना चाहिए। और जॉइंट जनरल मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट के पास क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर एमबीए इन फाइनेंस विद 15 इयर्स ऑफ कोर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपोजर होना चाहिए कैंडिडेट के पास ऑडिट, टैक्सेशन, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। और डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पे कॉर्पोरेट अफेयर्स में यहाँ पे बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर MBA इन HR एंड मार्केटिंग दोनों रिक्वायर्ड है। मिनिमम 4 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और कैंडिडेट को MS ऑफिस और इससे रिलेटेड सभी स्किल्स आनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे 2 स्टेजेस रहेंगी, इंटरव्यू और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन। और यहाँ पे सिलेक्शन जिस प्रोसेस पे कैंडिडेट को जज किया जाएगा वो नॉलेज, स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फिजिकल फिटनेस के भी यहाँ पे कैंडिडेट को जज किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे CMRL की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फी ऑफ एप्लीकेशन शुड बी पेड इन द DD या फिर NFT फॉर्म में और यहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन और वो आपको फिल करके आपको सेंड करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पीरियड यहाँ पे 2 इयर्स का रहेगा जो लेटर ऑन एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और पेमेंट प्रोसेस की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो है वो 300 रुपये है, SC ST के लिए यहाँ पे 50 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो ये थी रिक्रूटमेंट की डिटेल्स और अगर आप इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो आप studycafe.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे विजिट कर सकते हैं। और ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को studycafe.in को और अगर आप विजिट भी कर सकते हैं studycafe.in पर ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।